हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्ता की किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो हम अपनी किचन में इस्तेमाल करते हैं मसाले, जो हम होममेड मसाले बनाते हैं और जो हम सब्जी में पिसे मसाले डालते हैं। आज हम आपके साथ वो मसाले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। गाइस, ये हमने लिए हैं 10 से 12 तेज पत्ता और ये ली है हमने 2 चम्मच जावत्री फूल, 4 से 5 चम्मच ली है हमने काली मिर्च और ये हमने लिए हैं कुछ दालचीनी के टुकड़े 10 से 12, 3 से 4 चम्मच लौंग, 3 चम्मच छोटी इलायची हमने ली है, ये 8 से 10 बड़ी इलायची और ये लिए हैं हमने 2 जायफल, जो हमने इनको इस तरह से कूट लिया है ताकि मिक्सी का जार ना टूटे, इसलिए हमने इनको कूट कर रख लिया है। और ये हमने लिए हैं 5 से 6 चम्मच जीरा और ये हमने 5 से 6 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। देखिए गाइस, हमने लिया है ये फ्राई पैन और हमने गैस ऑन कर लिया है। अब हम ये सभी मसाले इसमें डाल देते हैं। ये ली है हमने बड़ी इलायची, जायफल, तेज पत्ता, छोटी इलायची, जावत्री, लौंग, जीरा, काली मिर्च और दालचीनी और ये हम इसमें डाल देते हैं सौंफ। अब हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, हमें इसको ज़्यादा तेज रोस्ट नहीं करना है। ये देखिए गाइस, अब हम इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, सारे मसाले अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और अब हम इनको ठंडा कर लेते हैं। मसाले ठंडे हो चुके हैं और अब हम इनको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, सभी मसाले अच्छे से पिस चुके हैं और ये हमने इसका फाइन पाउडर बना लिया है। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, कितना अच्छे से खुशबूदार मसाला बनकर रेडी हो चुका है और हमने जो भी सब्जी बनानी है उसी के हिसाब से हम इसका एक या आधी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ज़्यादा खाएं तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और कम मसाले खाएं तो कम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप कम या ज़्यादा मसाले रख सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लेते हैं सभी मसालों को। ये देखिए गाइस, हमने इसको ढक कर रख देते हैं। अब हम बनाते हैं सिकंजी फ्रूट चाट मसाला। ये देखिए गाइस, हमने ये ली है सौंठ, ये हमने अदरक सूखा हुआ अदरक लिया है, ये हमने इसके 3 से 4 टुकड़े लिए हैं और ये हमने ली है काली मिर्च, जो हमने 3 से 4 चम्मच काली मिर्च का इस्तेमाल किया है और ये हमने 3 चम्मच छोटी इलायची ली है, 4 चम्मच हमने जीरा लिया है और 4 चम्मच हमने ये सौंफ का इस्तेमाल किया है और ये हमने इसमें लिया है पुदीना, जो हमने ये सूखा हुआ पुदीने का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये हमने लिया है फ्राई पैन और अब हम ये मसाले इसमें डाल देते हैं। छोटी इलायची, अदरक सूखा हुआ जिसे सौंठ भी कहते हैं, काली मिर्च, सौंफ और जीरा। अब हम इनको अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। हम इसको हल्की आंच पर ही रोस्ट करेंगे, हम इसको ज़्यादा हाई आंच पर नहीं रोस्ट करेंगे, नहीं तो ये मसाले और जीरा जो सौंफ होती है ये जल जाती है, फिर इसकी अच्छी खुशबू नहीं आती है। ये हमें हल्का हल्का रोस्ट करना है, हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब हम कर देते हैं गैस को बंद, प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। इसका जार लिया है और अब हम सभी मसाले इस जार में डालकर पीस लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने ये मसाले मिक्सी के जार में डालकर इनको पीस लिया है, ये हमने इसका फाइन पाउडर बनाया है और अब हम इसमें डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच पुदीना सूखा हुआ। हम इसमें डाल देते हैं काला नमक, जो हमने इस तरह से इमाम जिस्ते में डालकर इसको कूट लिया है। ये हमने इसमें 150 ग्राम काले नमक का इस्तेमाल किया है और हमने इसमें 150 ग्राम हमने किया है पिंक सॉल्ट, जो सेंधा नमक होता है, ये हमने उसका इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो वाइट नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट होता है वो सेंधा ही नमक होता है। अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए गाइस, मसाले तो ये हमने पीस लिए थे और हमने सूखा पुदीना और काला नमक और सेंधा नमक भी हमने पीस लिया है और अब हम सभी मसाले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम लेते हैं एक एयरटाइट कंटेनर और अब हम इसमें भरकर रख देते हैं। ये जो हमने मसाला बनाया है सभी फ्रूट चाट पे डालकर खा लेते हैं, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। ये देखिए गाइस, हमने ये लिया है एक एयर टाइट कंटेनर और हम ये सभी मसाला इसमें भर कर रख देते हैं। ये हमने पूरे महीने के लिए मसाला बनाकर रेडी किया है। रमजान का महीना शुरू हो चुका है तो हमने ये पूरे ही माह के लिए, पूरे एक महीने के लिए हमने ये मसाला बनाकर रेडी किया है। ये हमने सभी चाट मसाला और हमने ये सब्जी मसाले बनाकर रेडी कर लिए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारे मसाले की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।